डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दो दिन का गढ़वाल दौरा खत्म हो गया। दौरे के दूसरे दिन वो देहरादून पहुंचे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। वह आखिरी दिन क्या खास था मनीष सिसोदिया के दौरे में, रिपोर्ट में देखिए। ये शनिवार सुबह सुबह की तस्वीर है जहां देहरादून पहुंचे मनीष सिसोदिया का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मनीष सिसोदिया शहीद स्मारक पहुंचे और उत्तराखंड आंदोलन के लिए शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के शहीद, यही कहूंगा कि इन शहीदों ने जिस चीज के लिए कुर्बानी दी थी वो उत्तराखंड तो अभी सपनों में ही है, और जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिन लोगों ने लड़ाई की, उनके बच्चे, उनको ना तो शिक्षा मिली, ना स्वास्थ्य मिला, ना रोजगार मिला, पिछले 20 साल उनके सपनों पे बदहाली के साल। इसके बाद प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में शामिल हुए जहां देश भर से आए प्रिंसिपल मौजूद रहे। इस कॉन्क्लेव में देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। इस दौरान सिसोदिया ने पिछले 20 सालों में उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली पर चिंता जताई। मुझे तो लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, यही लोग चाहते हैं। वो किसी भी राज्य के लोग यही चीज चाहते हैं अपनी सरकारों से। इन्हीं पे कोई काम नहीं किया तो फिर क्या काम किया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मनीष सिसोदिया ने त्रिवेंद्र रावत पर जमकर हमला किया और उनको जीरो वर्क मुख्यमंत्री बताया। मौजूदा सरकार कुल मिला के कांग्रेस से आए मंत्रियों की और बीजेपी से आए मुख्यमंत्री की सरकार है, इसलिए वहां कोई काम हो ही नहीं रहा, एक भी काम नहीं है। आज तो किसी ने मुझे कहा और मैं उसको यहाँ जनसभा में रिपीट किया कि ये जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर है। बात तो करते हैं जीरो टॉलरेंस की, लेकिन जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर है। उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील को लेकर सिसोदिया ने बड़ा हमला किया और इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ झाले का आरोप लगाया। जिस जगह कोई लेक बनानी थी या लेक का डेवलपमेंट करना था, उस जगह के आसपास की जमीनें पहले नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के परिवारों को चली गई और फिर सरकारी खर्चे पर डेवलपमेंट करके उस इलाके का, उस वहां की लैंड कॉस्ट पे अब कुछ लोग ऐश करेंगे, कुछ गिने चुने परिवारों के नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के लोग। ये काम हुआ है। 2022 में आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल है, जिस पर सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश में सबसे साफ, बेदाग और मेहनती चेहरे को ही सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा। सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।